T20 वर्ल्ड कप से पहले एक ब्लैंक चेक की ऑफर हुई थी, तो वो मुझे बताएं कि वो मिल गया है और कितने का मिला है। दूसरा, ये जबरदस्त विजन है आपका और सिफर से स्टार्ट आप कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूरे निजाम को, तो फ्री हैंड आपको मिला हुआ है इमरान खान की तरफ से या इमरान खान भी कुछ आपको गाइड करते रहते हैं? ब्लैंक चेक है कल नहीं देखें, वो इतने बड़े लीडर और इतने बड़े प्लेयर रहे हुए हैं कि एक मेरा एक हाई पॉइंट होता है जब वो मुझसे क्रिकेट की गुफ्तगू करते हैं, बिकॉज बहुत कुछ सीखते हैं हम उनसे। मगर कोई ऐसी डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बस ये करना है और वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक बिल्कुल फ्री हैंड है, जो मेरी समझ में आ रहा है वो कर रहा हूँ और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इसलिए कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो है ना, वो आपको फिर कई चीज़ें करनी पड़ती हैं और फिर आप बैरियर्स तोड़ते हैं। देखें, जो एक एक्सीलेंस आप अचीव करते हैं ना, वो आप एक बैरियर तोड़ के अचीव कर सकते हैं। अगर आप उस बैरियर को देखते रहेंगे और फेंस पे बैठे रहेंगे, फिर कोई काम नहीं होगा। सो आपको रेवोल्यूशनरी माइंड के साथ आना पड़ता है। और क्योंकि मेरे लिए देखें, क्रिकेट सबसे ज़्यादा अजीज चीज़ है। ये कुर्सी की मुझे 1 इंच की परवाह नहीं है, इसलिए कि ये मेरा इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और चीज़ें ठीक करके जाएंगे इंशाल्लाह। ब्लैंक चेक है कल थैंक यू सो मच, सीरियसली। थैंक यू सो मच समीर भाई। सबसे पहले फैसल हसनैन साहब, आपको खुश आमदेद। अली सलमान फ्रॉम GTV। रमीज़ भाई, जी आप अली, बड़े कीन हैं आप डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और बींग एन एंकर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, क्लब क्रिकेट। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पिचेस यहाँ कराची में बनाई गई वो तमाम की तमाम रिजल्ट ओरिएंटेड थी, माँ सिवाय एक आध मैच के तमाम के मैचेस के रिजल्ट आए। जितना जीतने वाली टीम खुश थी इतना ही हारने वाली टीम भी मुतमईन थी। तो क्या कोई ऐसा मॉनिटरी इंसेंटिव है इन क्यूरेटर्स के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, मुस्तकबिल में एक मिसाल कायम करने के लिए? सेकेंडली, आप मॉडर्न डे की बात करते हैं तो क्या वीडियो एनालिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उनकी कोई फर्दर फ्यूचरिस्टिक कोई डेवलपमेंट के हवाले से कोई ऐसा प्लान है? और तीसरा छोटा सा सवाल क्लब क्रिकेट का है कि एक जब हम बेंच की बात करते हैं ना, शेख जट ने भी बात की कि बेंच पर लड़के ज़ाया हो जाते हैं। हम ये देखते हैं कराची की, मैं पर्टिकुलर बात करूंगा कि हम ये देखते हैं कि एक ही क्लब में लड़के 11 खेल रहे होते हैं तो 111 बाहर होते हैं, क्योंकि उनको ये एहसास होता है कि शायद लीग्स खेल जाएंगे या किसी और वजह से कुछ और लुक्रेटिव एडवांटेजेस होते हैं। तो क्या आप इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि क्लब क्रिकेट में प्लेयर्स की तादाद को एक रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि 20 या 25 रजिस्टर्ड होंगे, बाकी फिर क्योंकि वो टैलेंट फिर जो है वो डिवाइड हो जाए ताकि दीगर क्लब्स में। खैर, लास्ट पॉइंट के ऊपर मेरी इतनी गिरफ्त नहीं है अभी, इसलिए कि मेरा तो एक डायरेक्शन ये थी कि हमारी एक समर लीग और एक विंटर लीग होनी चाहिए और ये रेगुलर क्लब क्रिकेट हो ताकि टूर्नामेंट के मैचेस हो। इसलिए कि हमारी वो ऑल एक तरह से स्क्रूटनी हो जाती है कि पिच कैसी है, ग्राउंड कैसी है, कौन अफोर्ड कर सकता है रेगुलर सीजन खेलना, कोई क्लब जाली भी होती हैं। बट ये आगे एक और माइन्यूट आपने बात की है, सो इसके ऊपर मैं देखता हूँ कि क्या हम कर सकते हैं। पॉइंट ठीक है आपका। और जैसे मैंने कहा, क्यूरेटर्स के लिए जो है वो ये पिचेस प्रोड्यूस करें और फिर देखें ये मालामाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि ये डिजर्व करते हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त जो मेहनत करता है वो क्रिकेट बोर्ड में वो ग्राउंड स्टाफ करता है। ये बाहर लगे रहते हैं क्योंकि मेरा ऑफिस आपने पता है, वहां पे मैं देखता रहता हूँ इनको। और हर तीसरे या चौथे दिन हिदायतुल्ला जो वहां का क्यूरेटर है वो मेरे कमरे में होता है। क्योंकि मैंने एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक स्मेक्टाइट एक एलिमेंट होता है मिट्टी में जिससे कि बाउंस क्रिएट होता है। तो मैंने वो उसके मैंने गूगल रीड किया तो उस पर एक मेरे ख्याल से लफबरा यूनिवर्सिटी का था कि जी पूरे पाकिस्तान में कड़क जगह है वहाँ पे होता है। तो मैंने कड़क के डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन घुमाया, मैंने कहा मुझे मिट्टी चाहिए वहाँ से। सो फिर उन्होंने मुझे मिट्टी TCS की, उसकी मैंने सॉइल एक्सपर्ट से। तो मेरा जो मेरा एम है वो ये है कि पहले हम पिचेस जो है हमने बेस्ट बनानी है और मेरा जो साथ देंगे वो क्यूरेटर्स और ग्राउंड स्टाफ देगा। वो मेरे राइट हैंड मैन है, वो हैं जिनके ऊपर हमें बहुत मेहनत भी करनी है और ज़्यादा क्यूरेटर्स अच्छे लेके आने हैं। और इसकी जो क्योंकि 50% तो सॉइल है, 50% है कि किस तरह से आप पिच बनाते हैं, उसके आर्ट में हमें अभी भी थोड़ी बहुत कमी है। वीडियो एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हैं हमारे जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं तला, वो ब्रिलियंट है। क्योंकि मैंने जब बैठ के पीछे बिहाइंड क्लोज डोर्स, काश उस वीडियो होती वर्ल्ड कप से पहले तो आपको आइडिया होता कि कहाँ कहाँ तक मैं गया हूँ, कि किसको क्या बॉल करना और कहाँ से बाउंसर करना और कब। सो वो उसके पास मैचअप्स हैं बहुत अच्छी, वो एक मशीन उनके पास है। क्रिकविज जो है वो अच्छा ऐप है, वो हमें हेल्प करते हैं। सो इस पर
बहुत और ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो सकती है, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, बट फ्यूचर यही है। रमीज, पहले तो आपके लिए बड़ी शुभकामनाएं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। और कल जावेद मियादाद ने भी अप्रिशिएट किया आपको कि आप आए हैं, और एज ए क्रिकेटर आपकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, तो होप है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा करेंगे। क्वेश्चन मेरा पहला तो ये है कि जाहिर है कि कल आपकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, उसके हवाले से कुछ बता दीजिए कि उसमें क्या क्या डिसीजन हुए। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट इंडीज आई, T20 खेला उसने, वनडे सीरीज जो है मुलतवी करनी पड़ी, रीजन सबको पता है। बायोसिक्योर बबल, उसके ऊपर जो है बहुत से यानी तहफ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं। गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर है हम डोमेस्टिक भी कवर करते हैं, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि कायद अज़म ट्रॉफी का मैच, उसमें जो टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने उसी वक्त जो है बायोसिक्योर बबल को जो वायलेट कर रहे थे लड़के, बल्कि अभी जब मैं एंटर हो रहा था तब भी मैंने देखा जो कोई प्लेयर्स जिन्होंने 25th को फाइनल स्टार्ट करना है वो भी बायोसिक्योर बबल को वायलेट करते हुए बाहर रोडों पर घूम रहे हैं। तो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? नहीं घूमना चाहिए जी, असल में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये असल में हमारा ये है जी, ये रिफ्लेक्शन है हमारे जो सोसाइटी में है, तो हमारे हम कहाँ मास्क पहन के घूमते हैं वैसे भी, सो वो भी, बट ये एक हमने प्रेजेंट करना है एक अच्छा केस सारी दुनिया को, एंड वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात है। सो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ज़रूर मैं बात करूँगा कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। जहाँ तक आपने बायोसिक्योर बबल की बात की है जी, वो देखें वो तो वाटर टाइट था, वो वहाँ से लेके आए थे। हाँ शायद अगर हम 5-6 दिन इनको क्वारंटीन करवाते तो शायद ये हमें पहले पता चल जाता, पर चटोर ही ना होता। सो हमारे देखें एक भी प्लेयर को नहीं हुआ, सो उस लिहाज से तो सारे जो प्रॉब्लम था वो वेस्ट इंडीज कैंप में था, और इसीलिए जो PSL में हमने पूरा होटल बुक करवाया है ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, और उसमें हमें 70-80 कमरों का खर्चा खुद देना पड़ रहा है। बट पॉइंट इज़ के इसके ऊपर ख़ास हमारी एक सोच है, क्योंकि हम फन स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है, और एक्स्ट्रा पैसे दे के जो भी होगा वी विल इंश्योर के कोई इस तरह की सिचुएशन ना हो। और क्या यही था आपका सवाल BOG का? देखें बहुत लंबी, मैंने तो इतनी लंबी मीटिंग में आज तक ज़िंदगी में नहीं बैठा हूँ, कोई 12 बजे शुरू हुई है, रात के 9 बजे तक चली है। तो मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, देखें मैं तो एक क्रिकेटर हूँ, तो मैं अभी ऑन द जॉब मेरी ट्रेनिंग भी हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हाई रिस्क है और मीडियम रिस्क है और लो रिस्क है। सो मेरे लिए भी वो आपकी तरह हूँ, मैं थोड़ा सा नूरा सा हूँ मैं रिगार्डिंग दीज इशूज़। बट पॉइंट ये कहने का है कि फ़ैन एंगेजमेंट जो है उसके ऊपर हमने एक इंटरनल एक्सरसाइज की, एक बाहर से हमने एक्सपर्ट को बुला के उससे भी हमने न्यूज़ लिए हैं, प्रेजेंटेशन लिया फैन एंगेजमेंट के ऊपर, फिर ड्रॉप इन पिचेस की बात हुई है, फिर उसके बाद पाथवे क्रिकेट की बात हुई, फिर उसके बाद और क्या था, बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ फैसल हेल्प मी आउट। देखिए एंडी एटकिंसन जो हैं ICC के भी जो क्यूरेटर हैं वो आए हुए हैं, मैंने उनको दोबारा बुलाना था, उनकी हिप रिप्लेसमेंट हो रही है, सो वो अवेलेबल नहीं। टोबी हैं जो कि दुबई के क्यूरेटर हैं, सो आइडिया है कि या तो हम 8-10 क्यूरेटर्स उनके पास वहाँ भिजवाएं, या उनको एक टर्म के लिए ले आएँ कोई 10 दिन के लिए। और मैंने ये कहा है कि जितने भी असिस्टेंट कोचेज़ हैं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, उन सबको क्यूरेटरशिप का कोर्स करवाएं, क्योंकि मैं देख रहा था वो बिल्कुल वेले बैठे होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, वो कोच होता है या एक ट्रेनर लगा होता है, वो वेस्टेड टैलेंट है। सो ये टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, और हर एक को आई थिंक ये Level 4 की कोचिंग में इनफैक्ट सबको पिच बनाने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने डिसाइड कर लिया कि पिचेस की वजह से या पिचेस की क्वालिटी की वजह से हम ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, और आपने देख लिया है कि जो पावर हिटिंग भी है वो भी बाउंसी पिच पे होती है, वो पावर हिटिंग जो है जहाँ घिसी गेंद हो रहा है वहाँ पर नहीं होती है। सो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसके ऊपर और ज़्यादा हम रिसर्च करें। तो वो टोबी का भी है आइडिया उनको बुलाने का, बट जितने भी असिस्टेंट कोचेज हैं मैंने कहा कि इनको लगाएं आप, जो 8-10 हैं क्यूरेटरशिप का कोर्स करवाएं, ताकि हम एक जाल बिछा सकें।